आपने देखा है बाद लोग जो है ना वो ड्राइविंग करते हैं तो नात लगा देते हैं, तिलावत लगा देते हैं, जो आजाद किस्म के लोग होते हैं वो म्यूजिक लगा देते हैं, गाना लगा देते हैं। तो कभी उनसे पूछो ना भाई तुम क्या टोटू क्यों लगाते हो, तो वो कहते हैं कि जी जब हम ड्राइव कर रहे होते हैं ना ये बैकग्राउंड म्यूजिक जो है ना ये जरा अच्छी लगती है तो बंदा फ्रेश जाता है। अल्लाह ताला ने हर बंदे के लिए बिल्ट इन बैकग्राउंड म्यूजिक बना दी है, बस हम उस म्यूजिक का बटन ऑन करना नहीं जानते। अगर हमें ऑन करना आ जाए तो ये अल्लाह अल्लाह की ऐसी म्यूजिक शुरू होगी दिन रात सुबह शाम, बल्कि वो म्यूजिक तो कार में है बाहर नहीं, घर में है तो बाजार में नहीं, बाजार में है तो फलां जगह नहीं, पहाड़ की चोटी पे नहीं। ये तो ऐसी है, आप घर में हैं, बाजार में हैं, पहाड़ में हैं, दिन में हैं, रात में हैं, सेहतमंद बीमार जब हैं, जिस हाल में हैं, ये अल्लाह 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 की सदा हर वक्त आपको सुनाई दे रही है। इस कैफियत के बाद हमारे बुजुर्गों ने कहा कि जो दम गाफिल सो दम काफिर, जो सांस गफलत में गुजर गया यूं समझ लो कि वो सांस कुफर की हालत में गुजर गया। एक सांस का जो देर होती है ना इतनी देर भी बंदा अल्लाह से गाफिल नहीं होता। यक चश्म जदन गाफिल अजा शाह नबाशी, यक चश्म जदन गाफिल अजा शाह नबाशी, शायद के निगाह कुनद आगाह नबाशी। कहते हैं उस शहनशाह से एक लम्हा के लिए भी तू गाफिल ना होना, हो सकता है उसी एक लम्हा में शाह तेरी तरफ मुतवज्जे हो और तू आगाह ही ना हो पाए। अल्लाह वालों की वजह एक लम्हा भी अल्लाह से गाफिल नहीं होते। अल्लाह अकबर कबीरा। तो भाई ये नेमत जो है ना ये अगर इसका मजा हमें मिल जाए तो हम तो कहेंगे कि यार पहले हम जिंदगी क्या गुजारते रहे।